इतनी सुबह हो गई है और ये गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं। शिवा, अरे वाह, मुझे सोने दो यार। देव, कृष, उठो। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। धरा, भाभी, भाभी, या पियो ना माँ, मैंने आपके लिए एकदम मस्त हेल्दी ऑर्गेनिक टी बनाई है। ऑर्गेनिक लहसुन के साथ। बैठ जरा बैठ। बेस है माँ, ये तो मैंने चाय आपके लिए बनाई है ना, आप पियो। पर तूने कितनी मेहनत के साथ बनाई ना, तो मैं चाहती हूँ कि उस मेहनत का स्वाद तू भी ले। हैं? वही वही वही। अगर नाश्ता ऐसा बनाया ना तो पूरा का पूरा तेरे मुंह में ठूस दूंगी, फिर करती रहना उल्टिया। उठो, सुबह हो गई है। सुबह सुबह उल्टी, मतलब खुशखबरी। अरे 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 अरे, खुशखबरी खुशखबरी। ये खुशखबरी के आंसू नहीं है, ये तो टॉर्चर के आंसू है। टॉर्चर? रिश्ता, किसने किया तुझे टॉर्चर? मैंने माँ के लिए चाय बनाई थी ना, माँ ने वो मुझे ही पिला दी। रिश्ता, लेकिन तूने चाय क्यों बनाई? धरा कहाँ है? वो धरा भाभी का तो आज डे आउट है ना, तो रावी उन्हें ड्रॉप करने गई है। डे आउट मतलब? क्या घूम भी, ऐसे तो बहुत बोलते हो कि मैं बीकॉम पढ़ा हूँ, बीकॉम पढ़ा हूँ, डे आउट का मतलब नहीं पता है? बताऊं मैं तो? अरे अरे गोम्बी, मैं तो मजाक। गोम्बी गोम्बी, अरे गोम्बी गोम्बी, क्या आपका कमरा तैयार है? तो हम सब ने मिलकर सोचा कि भाभी को हार्दिक भैया के पास भेज देते हैं, भाई बहन की भी सुलह हो जाएगी आपस में। बस अच्छा ठीक है, मैं तैयार होने जाता हूँ। और हाँ देव, रिश्ते का ध्यान रखा। हाँ गोम्बी। मैंने तो चाय की एक ही सिप पी और ये हालत हो गई। माँ ने कहा अगर नाश्ता अच्छा नहीं बना ना तो सारा का सारा नाश्ता मुझे ही खिला देंगी। कहाँ चली गई है रावी, अब तक क्यों नहीं आई है? देखो मुझसे ये सब नहीं होगा, ठीक है? पता चले धरा भाभी के सरप्राइज के चक्कर में मुझे ही माँ ने धंधे मार दिए। अरे भाभी भाभी, आराम से, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अब आप हमारी टीम में हो, कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। ओ महलों की पटरानी, कुछ बन रहा है क्या? अभी तक नहीं। हाँ मैं बस आ रहा है खाना, नाश्ता आ रहा है, बन गया। ओहो बाप रे बाप, रसोड़ो को पूरा फैला दिया है, छप्पन भोग बनाए थे। सो जोर का गुलाम, अंदर क्या कर रहे हो तुम? पानी भी नहीं आया था माँ। अपन चलते ना बाहर, वैसे भी हम लोगों का किचन में क्या काम। मैंने ना आज सुबह बहुत अच्छे भजन सुना है, फोन पे आपको सुनाता हूँ। चल सब भजन। शिवा, ओ शिवा शिवा था ना, वो पानी पीने क्या होगा ना, प्यास लगी होगी। रेगिस्तान के सब ऊंट बन गए हो क्या? प्यास लगी है सबको, प्यास लगी है सबको। ये शिवा के हाथ में नाश्ता क्यों नहीं था? अरे शिवा शिवा, तू खाली हाथ कहाँ है? देख शिवा, कब से माँ इंतजार कर रही है बाहर, अगर नाश्ता नहीं मिला ना तो मुझे तो, ओ गॉड। अभी ने कहा था ना, धारा भाभी के बिना सब मैनेज हो जाएगा, नो बिग डील। शिवा गरम गरम तवा फेंक के मारूंगी तुझे। मैं ना आप सबसे ज्यादा दिमाग लगाता हूँ, एक मिनट रुको। ये रहा नाश्ता, अब अगर सबके सामने लेके आता ना तो नाश्ते से पहले माँ के डंडे खाने पड़ते। स्मार्ट बॉय, थैंक गॉड। अब तो एक काम कर, बाहर जाकर सब सामान, मैं नाश्ता बना के लाता हूँ। भाभी नाश्ता बना हुआ है, सिर्फ निकाल के आना है, मैं बाहर हूँ। एग्जैक्टली। ए पटरानी, भूख लगी है, जल्दी ला नाश्ता, पेट में उंदर ना दौड़े छे। माँ आता ही होगा, बस रिश्ता लेके आ रही है। ओ, बोला पेटीकोट छाप नंबर दो। शिवा अभी तक तू तैयार नहीं हुआ, दुकान नहीं जाना। आ कॉम्बी, वो अचानक से ना पेट बहुत दुख रहा है। वो कृष्ण कल कुछ खिला दिया था ना,
अजीब अजीब से बीच बीच में। ठीक है फिर मैं और देव संभाल लेंगे। मम्मी नहीं मेरे पेट में भी बहुत दर्द है, आपको अकेले संभालना पड़ेगा, इस गधेड़े ने मेरे को भी खिला दिया था ना। तो क्रिश तू आई बुरी भैया खाली खराब से यहाँ आई, बड़ा पेट में दर्द है गोम्बी, मेरा पेट भी बड़ा खराब है, ऊपर से सरप्राइज। क्या बोला तू सर? पर सर नहीं तूने सरप्राइज बोला सर। नहीं नहीं सरप्राइज मतलब क्या सरप्राइज गोम्बी, कैसा सरप्राइज? ये तो सुपारी बोल रहा था। सुपारी सुपारी गोम्बी सुपारी। ये इंग्लिश स्कूल में जाके ना हिंदी कुछ ज्यादा ही खींच के बोलने लग गया है। वो गोम्बी दरअसल बात क्या है ना, कल ये पान लेके आया था उसमें बहुत सुपारी थी और इसलिए हम सबका पेट पकड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में मेरे पेट में भी दर्द हो जाएगा। मतलब माँ इसका पटरानी के हाथ का नाश्ता खा गए? अरे नहीं नहीं माँ, रिशिता ने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। हाजिर जवाबी है तू तो, बीवी के बारे में कुछ बोला और हाजिर हो गया है। नहीं नहीं माँ मैं भी देव का साथ दूंगा, मैं अभी देख के आया किचन में, भाभी ने मस्त एक नंबर ढोकले बनाए। ठीक है फिर मैं दुकान निकलता हूँ और मेरा टिफिन दुकान पहुँचा देना, वहीं पे टेस्ट कर लूंगा। ठीक है जय सोना। हाँ जय सोना, जा 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 टिफिन मोक लाइए, मैं चाय लेकर आता हूँ। क्या होगा इस घर का, ये भगोड़ी की बेटी जरा सी इधर उधर होती नहीं और पूरा घर हिल जाता है। अरे वाह अरे वाह कितना अच्छा नाश्ता है, गर्मा गर्म चाय। भाभी क्या एक नंबर ढोकले बनाया? अच्छा अभी खाकर देखता हूँ। हाँ माँ ये तो पूरे सोमनाथ का ढोकला टेस्ट कर, बहुत टेस्टी बना है। माँ मैं सच कह रहा हूँ ये ढोकले ना एक नंबर है। ढोकला छोड़ तू तू समोसा खाना, भाभी ने समोसा भी बनाया। तू एक बात बता मुझे है? जब तू छोटी थी मतलब इससे भी छोटी इतनी याद थी तो स्कूल में चोरी खूब करती होगी। चोरी? नहीं नहीं माँ मैं चोरी वोरी नहीं करती थी, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। चल झूठ मत बोल झूठ मत बोल है, करती तो होगी। तुम लोग आजकल की ये मोबाइल फोन वाली तेज तराड पीढ़ी हो, काम से तो वैसे ही बेर है और चाहिए सब कुछ फास्ट फास्ट है। नकल तो करती होगी ना? माँ वो तो स्कूल की छोटी मोटी शरारती होती है ना, आप छोड़ो वो सब, ढोकला खाओ ना। थेपला। तो ये बता तो जब वो मास्टरानी होती है ना पकड़ लेती थी तुझे तो क्या सजा देती थी? क्या बताऊँ माँ कैसी कैसी पनिशमेंट देते थे है? अगर चीटिंग करते हो पकड़े गए ना तो सीधा नेगेटिव मार्किंग। सच? और तो और माँ कभी कभी ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े भी कर देते थे, फिर ना मैं दीवार से हाथ चिपका देती थी, एकदम आराम मिलता था। कैसे कैसे दिखा अभी? हाँ अभी दिखा ना वो दीवार। अभी पहले मैं ऐसे हाथ ऊपर करती थी फिर ऐसे चिपका देती थी आराम से एकदम रिलैक्स। अभी आपको तो मुर्गा बना देते होंगे वो लोग। Whatever. तो वो तो सबसे बुरी पनिशमेंट थी। I just hate murgas. Hate murga. अच्छा? बन मुर्गा। मुर्गा बन? बैठ नीचे। माँ आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? पूरा दिन नहीं है मेरे पास। बैठ जा, बन जा मुर्गा। मुझे क्या तेरी स्कूल की बेवकूफ मास्टरानी समझ रखा है? ऐसा ढोकला तू क्या तेरा बाप भी नहीं बना सकता, देखते ही पहचान गए। आ तो आपड़ो सोमनाथ फरसान हाउस में थी छे तो खुद सीना तान के झूठ बोलती है मेरे सामने और मेरे बच्चों से भी झूठ बुलवाती है। अरे भाभी इस तरह मुर्गा नहीं बनते, जो कान है पूरे हाथ को टच करना चाहिए, मतलब पूरा कवर करना चाहिए कान को,
आपके तो टच भी नहीं हो रहे। ऐसे नहीं, ये देखो ऐसे करके, ऐसे। चुप। तो चाय भी तूने नहीं बनाई, देव ने बनाई। अच्छी बनी है ना। हमेशा की तरह भर भर के इलायची डाली है तभी तो पकड़ा गया।